कृष्ण लीला देख सकते हो यहाँ पर आप, रास होते हुए गोपियां हैं, कृष्ण जी हैं। जैसे आप जाओगे वहाँ पे निधिवन में, यहाँ आप देख सकते हैं द्रौपदी जी का जब चीरहरण होता है तो कृष्ण जी आते हैं, देखो वो ऊपर। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो रेंजर वाला झूला भी है। अब भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको वचन देता हूँ माँ, मैं हारे का सहारा बनूंगा। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा पर। फिलहाल भाई पंजाबी बाग में, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पे क्या है ना, जन्माष्टमी का मेला लगा है, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा सबसे सुंदर जन्माष्टमी का मेला है। यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक मशीन वाली झांकियाँ लगती है, कृष्ण लीला वहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर जन्माष्टमी का मेला लगता है। ये दिखाने के लिए आज मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर। यहाँ की पूरी जानकारी भी आपको मैं दूंगा, यहाँ के मतलब ये टिकट वगैरह कुछ लगती है क्या, यहाँ पे कौन सी जगह मेला लगता है पंजाबी बाग में, पार्किंग वगैरह, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, सारी जानकारी आपको यहाँ की मैं देता हूँ, फिर आपको पूरा मेला भी दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेले के बारे में, जन्माष्टमी मेला है जो, ये यहाँ पे किस दिन क्या रहने वाला है ना, मतलब क्या क्या झांकी वगैरह देखने को मिलेगी, प्रोग्राम देखने को मिलेगा, ये सब यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है शुक्रवार 1 सितंबर से वीरवार 7 सितंबर तक 2023 तक चलने वाला है। प्रतिदिन ये 8 बजे चालू हो जाएगा, रात्रि 12 बजे तक चलेगा। यहाँ पे अगर स्थल की बात करें वो रहेगा जन्माष्टमी पार्क, रिंग रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। और दोस्तों पार्किंग की बात करें तो इस बार यहाँ पे इन्होंने कोई पार्किंग नहीं बनाई है, ये देख रहे हो आप, लोगों ने ना ऐसी साइड में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करी हुई हैं, तो आप ऐसे ही अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग इस बार बनाई नहीं इन्होंने, पता नहीं क्यों नहीं बनाई। दोस्तों यहाँ आने के लिए करीब मेट्रो स्टेशन रहेगा पंजाबी बाग पश्चिम का, यानी पंजाबी बाग वेस्ट का, ये आप देख रहे हो ना, इसके थोड़ा सा आप आगे जाओगे ना, मतलब आपको 100 कदम वॉक करके जाना है, वहीं पर आपको मेला दिख जाएगा, तो रहने वाला है पंजाबी बाग वेस्ट करीब मेट्रो स्टेशन। ये देखो किस तरीके से यहाँ पे एंट्री गेट बनाया हुआ है, काफी सारे गेट है यहाँ पर, देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है ये एंट्री गेट। अंदर चल के मेला भी दिखाऊंगा, झांकी भी दिखाऊंगा, फिलहाल आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो कृष्ण जी यहाँ पर। दोस्तों ये फ्लाई ओवर आप देख सकते हो सामने है, ये मोती नगर फ्लाई ओवर, तो इसके बगल में ही मेला, ये देखो ये पीछे मेला, ये देखो ये रहा एंट्री गेट, यहाँ भी आगे में एंट्री गेट है, हम यहाँ से आगे से जा रहे हैं। रोड साइड भाई सारे में ही यहाँ पर जो है इतनी बढ़िया लाइटिंग करी हुई है, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा है, बिल्कुल रोड साइड में बनाया हुआ है। परी बनाई हुई है, कितना अच्छा लग रहा है, देखो ये देखो कितना प्यारा यहाँ पे एलिफेंट बनाया हुआ है, जो कि बिल्कुल चल रहा है भाई, कितना अच्छा लग रहा है। तो ना बाहर रोड साइड में भी इस तरीके से बनाया हुआ है, कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, जो कि आपको, आइए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। तो इसी तरीके से देखते देखते मेले के अंदर घुसेंगे, पूरी रोड सजाई है, देखो ये देखो एक और नज़ारा देखने के लिए मिल गया हमें यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है देखो। तो और आगे चलते हैं, तो भाई मेले की एंट्री है, हम अंदर आ चुके हैं मेले में, ये देख सकते हो आप। दोस्तों वॉशरूम वगैरह का व्यवस्था भी है, अंदर आ चुके हैं हम। यहाँ पर देखो कल्चर प्रोग्राम होता है जन्माष्टमी का, ये देखो यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है, यहाँ पे डेकोरेट करा हुआ है, बाकी बिहारी भी है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ से चलते हैं अब झांकी देखने के लिए, आइए। व्यवस्था काफी अच्छी करी होती है देखो मेले की, पूरी व्यवस्था के साथ हम जा रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम कृष्ण लीला झांकी के दर्शन करेंगे भाई, चलकर दिखाते हैं, देखो कितनी प्यारी यहाँ की झांकी होती है। दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन सबसे सुंदर ये जो है जन्माष्टमी मेला होता है, मतलब इस तरीके से कहीं और नहीं लगता मेला जन्माष्टमी का। थोड़ी बहुत झांकियाँ लगती भी हैं, लेकिन इतना बड़ा कहीं नहीं होता जिस तरीके से यहाँ पर होता है, और बिल्कुल फ्री है भाई। देखो भाई अब आपको यहाँ से हम दर्शन करवाएंगे, ये देखो यहाँ पंडाल लगा है पूरा झांकी वाला, चलिए दर्शन कराते झांकी के। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो 3 लाइन होती है यहाँ पे, वैसे ये VIP जो लोग होते हैं ना उन सब के लिए, ये नॉर्मल लोगों के लिए, VIP वगैरह के कार्ड आप बनवा सकते हो, इनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है मेले के जो अधिकारी वगैरह होते हैं। ये देखो वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर जा रहे हैं, देखो पूरा ऑटोमेटिक चलती हुई झांकी आप देख सकते हैं। काफी स्लो जा रहे हैं, देखो शेषनाग का पीछे का जो पूछ है वो हिल रही है। ये देखो भाई साथ ही में आ गया, एक डॉग भी है, कुत्ता भी है शायद। ये देखो किस तरीके से लेकर जा रहे हैं, आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखो भाई ये कृष्ण जी के जन्म के बाद वो देखो पहली लीला है, दूसरी लीला झूला झुला रहे हैं यहाँ पर, यशोदा मैया कृष्ण जी को।
ये देखो सामने भाई काली नाग का जब कृष्ण जी भगाते हैं तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखो पूतना आगे, पूतना का वध करते हुए देखो कृष्ण जी यहाँ पर। जय श्री कृष्ण। पूतना 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 आगे देख सकते हैं कृष्ण जी की और लीलाएं। ये देखो भाई अगली लीला यहाँ पर, कौन सी लीला इसका मेरे को याद नहीं आ रहा। कंस है क्या ये? हाँ कंस का वध करते हुए कृष्ण जी यहाँ पर देखो, लग तो ऐसा ही रहा है। यहाँ देखो ये खुला हुआ है, यहाँ से हम ये आगे चलते हैं भाई वीआईपी लाइन में। मुझे लग रहा है इस बार खत्म कर दिया इन्होंने वीआईपी वाला, पहले हुआ करता था। गोवर्धन पर्वत उठा दियो कृष्ण जी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, देखो ये राधा जी के साथ कृष्ण जी हैं यहाँ पर नौका विहार करते हुए। ये देखो फोटो क्लिक करवा रहे हैं लोग आगे जाकर। कृष्ण लीला देख सकते हो यहाँ पर आप, रास होते हुए गोपियां हैं, कृष्ण जी हैं। जैसे आप जाओगे वहां पे निधि वन में तो वही चीज यहाँ पर दिखाई है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे हमें देखने को मिला समुद्र मंथन, समुद्र मंथन के दर्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखो कछुए के रूप में भगवान विष्णु आते हैं, भोले बाबा विष पीते हैं। तो आगे और दर्शन कर सकते हैं, देखो राधा जी को झुलाते हुए कृष्ण जी। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये देखो नरसिंह भगवान के रूप में जब आते हैं भगवान विष्णु, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं जब। नरसिंह भगवान के दर्शन करने के बाद अरे ये अंदर का गुजरे, ये देखो दीवार फाड़ के निकलते हैं ना, वो चीज दिखाई है। ये देखो आ रहे हैं नरसिंह भगवान, आ रहे हैं। और ये देखो बाकी वहां पे आप सामने देख सकते हो कृष्ण सुदामा का मिलन दिखाया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम भी हो रहा है, डांस कर रहे हैं लोग, तो उसकी भी आवाज आ रही है काफी। ये आप देख सकते हैं कृष्ण सुदामा मिलन यहाँ पर, नटन पे है जामा। यहाँ आप देख सकते हैं द्रौपदी जी का जब चीरहरण होता है तो कृष्ण जी आते हैं देखो वो ऊपर, तो पूरी लीला यहाँ पे दिखाई है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन को दिखाया गया है यहाँ पर, जब अर्जुन का स्वयंवर होता है ना तब यहाँ पर ये देखो आते हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि भाई अर्जुन को बोला जाता है ना सबसे बढ़िया तीर बाज होते हैं ये, सबसे बढ़िया तीर चलाते हैं, तो ये क्या करते हैं ना ऊपर पानी में देखकर नीचे मछली को निशाना मार देते हैं, इतने बेहतर ये होते हैं तीर चलाने में। कृष्ण जी हो रहे हैं वहाँ पर हमारे। बाकी यहाँ पर देखो ये स्वयंवर के लिए है, वहाँ पे जो है कल्चर डांस हो रहा है, मोरे वंशी बजाइया नंदलाला कन्हैया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, देखो भाई यहाँ पे भीष्म पितामह का दिखाया हुआ है। ये देखो भीष्म पितामह दोस्तों, देखो यहाँ पर इस बार चंद्रयान भी लगाया है क्योंकि अपने इसरो ने कामयाबी पाई है। बाकी यहाँ पे G20 दिखाया है, कौन कौन शामिल होने वाला है G20 में, देखो भाई हमारे मोदी जी ने करके दिखाया है ये। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, देखो भाई लड्डू गोपाल जी हैं काफी बड़े लोग, यहाँ लड्डू गोपाल जी को झूला भी झुलाते हैं। ये देखो भाई लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते हैं सारे लोग यहाँ। दोस्तों यहाँ से हम झांकी देखकर आ चुके हैं, अब यहाँ से जो है मेला चालू हो जाता है जहाँ पे आप काफी कुछ खा सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, झूले झूल सकते हैं। ये देखो सबसे पहले मैं पान वाले दिखाई दे रहे हैं, बनारसी बाबू पान है यहाँ पर। देखो सादा पान, मीठा पान, फायर पान, ये पान, वो पान, ये बाकी यहाँ देख सकते हो यहाँ पे एक कैटर्स बनाया हुआ है, यहाँ भी आप खा सकते हैं। यहाँ पे आलू गोलगप्पे, आलू टिक्की, बल्ले पापड़ी, पाव भाजी, बर्गर, राम लड्डू, आलू चाट मेन्यू, बाकी पिज्जा वगैरह खा सकते हो, ट्रिपल एस पिज्जा कॉर्नर, चीज़ पिज्जा, ऑनियन पिज्जा, टमाटो पिज्जा, कैप्सिकम पिज्जा, कॉर्न पिज्जा, पनीर पिज्जा, मिक्स पिज्जा। दोस्तों काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर, देखो आप यहाँ पे काफ़ी सामान खरीद सकते हैं, होम डेकोर आइटम अवेलेबल हेयर। ये देखो यहाँ से होम डेकोर के आप आइटम खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। बच्चों के लिए काफ़ी खिलौने वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह यहाँ से आप खा सकते हैं।
100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो। ये 90 रुपए में देखो, यहाँ पे खिलौने हैं। बाकी देखो और भी कई चीजें यहाँ से आप ले सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह भी यहाँ से आप ले सकते हैं। राजकोट की ज्वेलरी रहने वाली है, काफी सारी ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखो, बाकी यही पापड़ वगैरह कई चीजें आप ले सकते हैं भाई, कई कीरिंग वगैरह, किचन वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं। स्मोक बिस्कुट यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्मोक बिस्किट यहाँ से आप खा सकते हैं। देखिए बाकी और भी कई चीजें यहाँ पे, बिस्तर साफ साफ ब्रश मिलते हैं, 5 साल चलने वाली झाड़ू, खिड़की साफ करने वाला ब्रश, काफी सारी चीजें यहाँ पर से आप ले सकते हैं। बाकी देखो भाई यहाँ से आप और कुछ कई चीजें खा भी सकते हैं। ये देखो, ये स्वीट कैंडी जो होती है, यहाँ पे स्वीट कैंडी आपको मिल जाएगी, यहाँ पे जूस आपको मिल जाएगा, ऑरेंज जूस है, यहाँ पे सॉफ्टी वगैरह आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखो बच्चों के लिए टॉय ट्रेन लगा रखी है, काफी बढ़िया लग रही है जो की। बाकी वहाँ पे मिक्की माउस बनाया हुआ है, वहाँ पे ट्रम्पलिन है, यहाँ पे देखो काफी सारे जो है जाइंट व्हील लगाए हैं। ये देखो दो जाइंट व्हील आप यहाँ देख सकते हो, दो जाइंट व्हील आप यहाँ पे देख सकते हो। रॉकेट वाला झूला है, वहाँ पे नाव वाला झूला है। बाकी यहाँ पे मून कॉस्ट, मून स्टार जो होता है, चांद तारा वो है। यहाँ पे बम्पर कार है, यहाँ पे जो भी बड़े झूले हैं ना वो रहने वाले 100 रुपए के, छोटे झूले जो है वो रहने वाले 50 से 80 के बीच में। तो जितने भी ये बड़े बड़े झूले हैं सारे, नाव वाला हो गया, गोल वाला हो गया, रॉकेट वाला, सारे रहने वाले 100-100 रुपए। बाकी इस टाइप के जो छोटे झूले हैं वो रहेंगे आपके 50 से 80 के बीच में। ये जैसे 50 है वो 50 है, बाकी ये 80 है, इस तरीके से रहेगा। बाकी और भी कई चीजें यहाँ पे से आप देख सकते हैं, देखो की रिंग वगैरह है। बाकी ये सेल्फी वीडियो वगैरह भी यहाँ पर से आप बना सकते हैं। ये देखो, आइए और देखते हैं और क्या क्या झूले वगैरह है। शूटिंग गन वगैरह भी यहाँ पर है, जो गन शूट करना होता है ना, बैलून होते हैं वो शूट करना होता है। बाकी यहाँ पे ड्रैगन देख सकते हो आप, नाव वाला झूला जैसे कहते हैं, ड्रैगन राइड, इसके आगे का मुंह ड्रैगन की तरह होता है ना, इसलिए। आइए और देखते हैं आगे, ये आप देख रहे हो, ये रहने वाली बम्पर कार, इसके रहेंगे भाई आपके 200 रुपये 120 सेकंड के, यानी कि 2 मिनट के रहेंगे 200 रुपये, दो लोग बैठ सकते हैं एक कार के अंदर। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो रेंजर वाला झूला भी है, आइए इसका पता करते हैं इसके कितने रुपए लगने वाले हैं। कई गेम्स भी यहाँ पर आप खेल सकते हो, ये देखो, ये रिंग थ्रो करनी होती है फिर सामान मिलता है। यहाँ स्मोक बिस्किट आप देख सकते हो, ये देखो भाई, छोटा सा बच्चा यहाँ पे खा रहा है स्मोक बिस्किट, ना मुझे नहीं खा रहा है। ये देखो, ये ट्राई कर रही है भाई स्मोक बिस्किट, मुंह से निकाल, ड्रैगन बन गया ड्रैगन। कैसा टेस्ट है? बहुत ज्यादा ठंडा होता है, नाइट्रोजन होती है क्योंकि भाई ये झूले भाई काफी ज्यादा कलरफुल लगाए हुए हैं। ये देखो पूरा तिरंगे वाला लुक। दोस्तों और भी कई सारी गेम्स वगैरह खेल सकते हो, छोटी नाव भी है यहाँ पर, देखो मतलब ज्यादा छोटी नहीं है बट छोटी है ये जैसे किसी को डर लगता है बट झूलना भी है नाव में तो उसके लिए है ये, बड़ी नाव बो रही है वहाँ पे, कितना ऊंचा ऊंचा जा रही है देखो, तो छोटी बड़ी दोनों नाव में झूल सकते हो। यहाँ पे बैलून जो करना होता है फोड़ना होता है। बाकी और कई गेम्स है, भूत बंगला रहने वाला है यहाँ पर, ये देखो ये थ्रो करने वाली गेम होती है वो है, भूत बंगला रहने वाला है। काफी सारी गेम्स हैं, मिकी माउस देख सकते हो बच्चे वाला। बाकी यहाँ पर ये वाली गेम है, इसमें गन से शूट करके क्या करना होता है ना, सामानों के ऊपर माचिस रखी है, जो माचिस आप गिरा दोगे वो सामान आपका हो जाएगा। ये देखो काफी लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखो ये गेम है, इसमें अगर आपका ये बॉल थ्रो करने के बाद इनमें से कोई नंबर बनता है ना तो जो नंबर पे प्राइज है वो मिलेगा आपको। यहाँ पर उन्होंने देखो 34 पर वीवो लगाया है, वीवो V20A। बाकी मिकी माउस के भी 100 रुपये ही रहने वाले हैं यहाँ पर, सारे झूले में 100 रुपये रहेंगे यहाँ पर, मिकी माउस के भी 100 ही हैं। बल्कि यहाँ पे ब्रेक डांस वगैरह देखने को मिलेगा हमें, देखो यहाँ पर जो है ये रेंजर है, रेंजर का पता करके आते हैं चलो। यहाँ पर भाई जो रेंजर है उसके भी 100 रुपये ही रहने वाले हैं, रेंजर के भी 100 रुपये हैं और ब्रेक डांस के भी 100 रुपये ही हैं। ये देखो ड्रैगन वाला झूला, अरे कहाँ रह गया वो, आ रहा दोस्तों। पूरा मेला मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे फूड कोर्ट का मैन्यू दिखा देता हूँ बस एक बार। अब
यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, ये क्या है? बाकी यहाँ कुल्लड़ वाली लस्सी है, लस्सी है ना, हाँ मतलब वृंदावन की मशहूर लस्सी। यहाँ पे जो तिल्ला वाली आइसक्रीम होती है वो भी है। यहाँ पे अगर फूड मेन्यू की बात करें वो रहने वाला भाई आपका 30 से 100 के बीच में। छोले भटूरे की बात करें तो वो रहने वाले हैं 70 रुपए के। यहाँ पे कहाँ भी खा सकते हैं आप, बल्ले पापड़ी हो गया, टिक्की हो गया, बर्गर हो गया, पावाजी हो गया, छोले भटूरे हो गया, और ये चाउमीन हो गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये भी छोले भटूरे यहाँ पे ये रहने वाले 70 रुपए में। दोस्तों कल्चरल डांस भी यहाँ पर हो रहा है, ये दिखाता हूँ चल के। दो संस्कृतियों का मिलन, कितनी चिंतित थी तुम्हारे लिए, क्या करूं पिताश्री, आज एक संकट में फंस गया। ऐसा क्यों? उगते हुए सूरज को तो संसार जल देता है, परंतु सच्चा मानव वही है जो प्यासे के मुंह में जल डाले। क्षमा कीजिए माताश्री, अब भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूँ माँ, मैं हारे का सहारा बनूंगा। बोलिए हारे के सहारे की। देखिए स्वामी, पुत्र बर्बरी कितनी मीठी बातें करता है। हाँ, और समय भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों मेले से बाहर आ चुके हैं, मेले से बाहर वो काफी दूर भी आ चुके हैं। तो मेला भाई मुझे काफी अच्छा लगा, बट ना वो पिछली बार जो रौनक थी ना वो रौनक मुझे दिखाई नहीं दी, पता नहीं क्यों। अभी जन्माष्टमी आने में कुछ दिन है, आज जो है 2 सितंबर है, अभी तो है भाई 5 दिन है जन्माष्टमी आने में, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हो जाए रौनक, बट अभी वो रौनक दिखी नहीं मेले में। बाकी था सब कुछ जो पहले था वही सब कुछ था, झांकी पहले से और बढ़िया थी इस बार। पार्किंग इन्होंने इस बार बनाई नहीं, ये चीज मुझे थोड़ी बेकार लगी, पार्किंग होती तो बढ़िया रहता है भाई। चलो कोई नहीं, जैसा भी था मैंने सारी अपडेट आपको यहाँ के बारे में दी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ पूछना कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, डीएम करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए आपसे अपना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल में पहली बार आए थे तो ऐसी बेस्ट वीडियोज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए आपसे अपना, जय हिंद, वंदे मातरम।